हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई जस्ट होप दैट यू डूइंग अमेजिंग। क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं बच्चा पार्टी? जल्दी से मेनू बता दीजिए, आर वी लाइव और नॉट? आर वी लाइव और नॉट? जस्ट लेट मी चेक एंड आई गेस वी आर लाइव। नहीं है? गाइस अभी लाइव? हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो यस, वी आर लाइव नाउ बचा पाड़ी। तो मुझे जल्दी से आप लोग बताओगे कि क्या तुमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई करी, मतलब थोड़ा बहुत कल जो हम लोगों ने किया था रिवाइज किया या नहीं किया? यू आर जस्ट कमिंग टू द क्लास डेली एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? आर यू मेकिंग नोट्स? आर यू नोटिंग डाउन द थिंग्स? क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, मुझे बताओ यार। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग गोपेश, गुड मॉर्निंग नफीसा, गुड मॉर्निंग अर्श खान, संजय, देन स्नेहा, मीनाक्षी, राहुल तिवारी, वर्षा, कोमल, एवरीवन ओवर हियर। अकी भैया गुड मॉर्निंग, आज ऑफिस वाले आईटीटी ट्रेनिंग की एग्जाम है, डर लग रहा है सर। आईसीआई एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? अरे बेटा कुछ डरने की बात नहीं बेटा। हाँ कितना डरते हो तुम लोग? हाँ कोई बात नहीं, बहुत ही आसान होती है बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन इट्स गोना बी वेरी वेरी सिंपल, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। रेगुलर रिविजन कर रहा हूँ, वेरी वेरी गुड सर। नोट्स बना रहे हैं, वेरी वेरी गुड, और नोट्स भी बना रहे हैं, वेरी वेरी गुड, ऑसम 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 ऑसम। चलिए सो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर हम लोग, मैं तुमको रिवाइज करवा कर देता हूँ जो हम लोगों ने देखा था, और फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तैयार है सारे बच्चे? ओके, तो यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स में डिफिकल्टी भी फेस कर रहे हैं उनको बता देना, अरे अक्की भैया का लेक्चर देखो, एवरीथिंग वुड बी फाइन आफ्टर दैट। ठीक है, सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल डेट, लेट मी टेल यू। ठीक है, हाँ यस, टिशु देसाई बाय बाय, टेक केयर। तो वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, वी आर डन विद दिस, यस। देन वी हैव स्टडीड अबाउट लॉ of demand, yes, ठीक है। Then we were doing determinants of demand, मतलब other factors affecting demand, right. So third aspect पे हम लोग हैं, उसके बाद we are going to go towards the exception of demand, कहां पर exception of demand? So now guys try to understand, ठीक है, meaning of demand में what we have seen, meaning of demand में we have seen that डिमांड के लिए डिजायर चाहिए, इच्छा चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, डिमांड के लिए डिजायर चाहिए, कैपेसिटी चाहिए एंड रेडीनेस भी चाहिए। जी हाँ, सो डिमांड के लिए यूनिट डिजायर, यस यूनिट इच्छा, यूनिट कैपेसिटी, यस यूनिट कैपेसिटी, एंड यूनिट विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर, यस विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स, राइट, यस। Then we have seen about the law of demand. Yes, we have seen about the law of demand. What we have seen about the law of demand? Other things being constant, whenever the price decreases, the quantity demanded increases. Whenever the price increases, quantity demanded decreases. So we have seen that whenever we are talking about the law of demand, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं price and quantity के relationship के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? Price and quantity के relationship के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। So, तीसरी चीज आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स रिलेशनशिप, यस वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स रिलेशनशिप। वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, यस वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव स्लोप, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव स्लोप। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, नेगेटिव स्लोप एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट, कौन सा? इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? यस सर, समझ में आ गई सर। देन वी वर टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट माई डिमांड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रिलेटेड गुड्स के बारे में,
तो जब भी मैं बात करता हूँ रिलेटेड गुड्स के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट, देखना यहाँ पर, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, दिल मांगे मत पेप्सी। तो यहाँ पर कोका कोला की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई थी तो लोग पेप्सी को प्रेफर कर रहे थे, कोका कोला की प्राइस इंक्रीज हो गई थी तो लोग पेप्सी को प्रेफर कर रहे थे, जी हाँ लोग पेप्सी को प्रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी, इफ द प्राइस राइजेस ऑफ द कोका कोला देन कस्टमर ये करेगा, और अगर वैसे वर्षा होता है तो वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल। तो सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स उसके कारण भी चेंज होता है, बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट एंड रिलेटेड गुड्स के कारण भी बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यस। सो यहां पर आप लोग देख सकते हो इनकम, तो जब भी किसी की इनकम ज्यादा होती है, अगर इनकम किसी की भी ज्यादा होती है तो फिर वो क्या करते हैं, इनकम ज्यादा होती है तो वो लोग भी ज्यादा 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 स्पेंड करते हैं, इनकम ज्यादा होती है तो वो स्पेंड ज्यादा करते हैं, जी हाँ। इनकम अगर कम होती है तो उनकी डिमांड भी कम होगी, इनकम ज्यादा है तो स्पेंड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम है तो वो स्पेंड कम करेंगे और डिमांड भी कम होगी, जी हाँ। आर यू गेटिंग इट एवरी वन, यस सर। तो क्या मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि मेरे अदर फैक्टर्स के कारण मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, बिल्कुल मेरा अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड चेंज हो रहा है, जी हाँ, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड चेंज हो रहा है, हाँ, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन म्हणजे व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी यार, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो लोगों को चीजें लगेगी भी ज्यादा, तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा है सो डिमांड इज मोर, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड इज लेस। सो पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड भी कम होगी। लेकिन उसमें से भी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है, अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो बूढ़े लोगों को जो चीजें लगती है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर बूढ़े लोग जो है वो कम है तो उनको कम लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो इन वर्किंग पॉपुलेशन के लोगों को जो चीजें ज्यादा लगती है उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो हम लोगों को यह भी देखना है कि डिमांड कौन से लोगों की ज्यादा है, बच्चों की ज्यादा है, बूढ़ों की ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन की ज्यादा है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन जास्ती डिमांड जास्ती, पॉपुलेशन कमी डिमांड कमी, दैट्स इट, राइट। आर यू गेटिंग इट एवरी वन, यस पक्का, इट इज सो सिंपल मैन, इट इज सो सिंपल गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। अभी अपन रोज यहां पर मिल रहे हैं तो तुमको समझना होगा कि लाइक तो करते ही रहना चाहिए, ठीक है, करते मतलब एक बार तुम्हारी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या, अटेंडेंस लगाने की एक्टिविटी, ठीक है, यू हैव टू लाइक इट, राइट, यस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, ठीक है, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट, वॉट हैपेंड आई विल टेल यू, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, बचपन में जब मैं छोटा था, सर बचपन में सब लोग छोटे ही होते हैं, हाँ बेटा, सो बचपन में जब मैं छोटा था स्कूल में जाता था तो वहां पर ना मेरे स्कूल में ना सारे बच्चे ना फाउंटेन पेन खरीद रहे थे, फाउंटेन पेन मतलब चाइना पेन होता था ना, वो एक फाउंटेन पेन बहुत ही जबरदस्त होता था, 50-55 रुपीज का कुछ मिलता था, और मैं तब क्या भाई इंक पेन यूज करते थे, 5 रुपए वाला, मैक्सिमम 10 रुपए वाला कुछ इंक पेन हम लोग यूज करते थे, ठीक है। लेकिन फिर यार मैंने मेरे दोस्तों के पास देखा कि यार उनके पास वो फाउंटेन पेन है, ठीक है, तो यार वो फाउंटेन पेन ना बड़ा ही फैसिनेटिंग, बड़ा ही अमेजिंग लगता था, एंड मेरे को भी इच्छा हो गई कि यार मैंने भी वो फाउंटेन पेन लेना चाहिए। लेकिन अभी मैंने सोचा कि यार पप्पा को बोलूंगा फाउंटेन पेन चाहिए, पप्पा पूछेंगे कितने का है, तो मैं बोलूंगा 50-55 रुपए का, तो यार पप्पा मतलब देंगे नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे देखो ना, नॉर्मल पेन जो होता है और अगर उस पेन का 5 रुपए में या 10 रुपए में मिल जाता है, तो अगर मैं वही चीज 55 रुपीज के लिए, तो यार डेफिनेटली मतलब मैं कितने टाइम्स ज्यादा वैल्यू वाली चीज को बोल रहा हूँ। तो जनरली घर वाले ना थोड़ा क्या हो जाते हैं, घर वाले थोड़ा सा मतलब दे आर लाइक कि अरे भाई इतना महंगा क्यों लेना है, 5 रुपए के पेन से भी काम चल रहा है, ठीक है, सो तो मैं वाई डू यू वॉन्ट टू हैव दिस 50 रुपीज पेन। तो वॉट आई डिड वॉज, आई वॉज वेरी स्मार्ट, मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, बचपन से बहुत होशियार था, तो मैंने पप्पा को बोला पप्पा मेरे को वो चाइना पेन चाहिए फाउंटेन पेन। पप्पा बोले क्यों, बोले कितने का है, मैंने बोला 50 रुपीज का है, 50 रुपीज। पप्पा बोले 50 रुपीज, अखिलेश क्या है ऐसे पेन में वो। मैंने कहा पप्पा उस पेन में बहुत अच्छा है पप्पा, वो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आएगी मेरी, और अगर हैंडराइटिंग अच्छी आएगी तो वो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।
पप्पा को मार्क्स का जैसे ही बोल दिया, पप्पा ने कुछ नहीं बोला, पप्पा बोले चल ठीक है चल लेकर आते हैं। तो हम लोग 5 रुपए का पेन यूज करते थे, तो मैं 50 रुपए के पेन के लिए भी पप्पा रेडी हो गए। 50 रुपीज पेन पापा वॉज एब्सोल्यूटली रेडी। वाई? बिकॉज आई जस्ट सेड दैट कि पापा हैंडराइटिंग वुड बी गुड एंड मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। पापा इज लाइक कि चलो फाइन ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि भाई इसका प्राइस इतना ज्यादा था फिर भी मैंने खरीदा। आइडियली जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन क्योंकि सब लोग यूज कर रहे थे उस पेन को क्लास में, मेरे को भी वो पेन चाहिए था, मेरे को भी चाहिए था। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वट एवर प्राइस इट इज, आई वॉन्ट टू हैव दैट पेन एंड आई एम गोइंग टू हैव दैट पेन। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट क्या मैंने खरीदा वो। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, फॉलो द ट्रेंड कहते हैं, उसको अपन बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो सब लोग कर रहे हैं वही मुझे करने का है। यहां पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए, सर मैं भी ऐसे ही किया था सर। घर वाले बोलते हैं पढ़ना लिखना है नहीं, पेन खरीदो बस। हाँ बिल्कुल बेटा, आस्था ऐसे ही कहते थे, पढ़ना लिखना तो है नहीं, हर हफ्ते नया पेन चाहिए, हर महीने नया पेन चाहिए, है ना, ऐसे ही कहते हैं घर वाले। सीरियसली मैन, सीरियसली राइट? यस। तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। सो व्हाट हैपेंड ओवर दैट इज एवरीवन इज डूइंग दैट, इवन आई वांट टू डू। देखो यहां पर मैंने इमेज भी ऐसे ही लगाया है कि बिना सोचे समझे ये आगे जा रहा है, इसको भी आगे जाना है, इसको भी आगे जाना है, इसको भी आगे जाना है। तुम लोग भी ऐसा करते हो कई बार, सर मेरे दोस्त ने ना वो क्या किया है सीए लिया इसलिए मैंने भी ले लिया। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो सीए भी ऐसे ले लेते, ठीक है। सो आई ऑल्सो डू लाइक दिस इन क्लास 5। तुम भी ऐसे करते थे? जबरदस्त बेटा, यस वेरी गुड। तो ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। तो यार हम लोग ना बचपन से ही, हमको इकोनॉमिक्स आती है, सिर्फ हमको ये नहीं पता है कि किसको क्या बोलते हैं, राइट? ये एग्जाम्पल तो हमारे साथ बचपन में कई बार हुआ है, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स हमारे साथ हुए हैं। तो यार इट इज नथिंग बट इट इज इकोनॉमिक्स, राइट? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, राइट? यस। सो यहां पर आगे देखिए नेक्स्ट स्नॉब इफेक्ट। अब स्नॉब इफेक्ट में मेरे पास बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट में मेरे पास बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है। तुम्हें पता है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ कोमल एंड शुभांगी, ठीक है। सो कोमल एंड शुभांगी, सो कोमल इज हैविंग हर बर्थडे, कोमल का बर्थडे है एंड शुभांगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो कोमल ने पार्टी थ्रो करी है सारे फ्रेंड्स के लिए। कोमल एकदम एब्सोल्यूटली एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा वाला ड्रेस मार्केट से खरीद कर लेकर आती है एंड शी इज़ रेडी फॉर हर बर्थडे। बट उतने में उसकी फ्रेंड शुभांगी आती है एंड शुभांगी इज हैविंग द सेम ड्रेस जो कोमल ने पहना था, सेम टू सेम, ठीक है। यस सत्यम सुमन, एक सेकेंड, यहां पर कौन है, सीए सत्यम सुमन, सत्या भाऊ, ये जो लेक्चर चल रहा है ये मई 23 वालों के लिए है और मैराथन सुबह हो चुकी है बेटा, तो यहां पर एग्जाम नहीं है। तो यहां पर तुम एकदम चिल मारो बेटा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, तुम स्टूडेंट्स की इतनी फिक्र कर रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो, लेकिन बेटा सत्या भाऊ ये मई 23 वाले बच्चे बेटा हमारी हो गई है, हमारी जो हो गई ना वो हो गई है मैराथन, ठीक है। वो सुबह रहती है 8:20 को। चलिए तो इनको थोड़ी बहुत इन्होंने बातें बातें भी कर ली तो चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सो हम क्या बता रहे थे, हाँ तो ये जो आई उसकी फ्रेंड शुभांगी, सेम टू सेम ड्रेस, अरे सेम टू सेम। अब उत्ते में यहां पर कोमल का दिमाग खराब हो गया। कोमल वॉज लाइक शुभांगी इवन यू आर हैविंग द सेम ड्रेस, तुम बोल नहीं सकते थे मुझे मेरे बर्थडे पर, तुम यहां पर पूरा की पूरा शो को स्टील करना चाहते हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म।
ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर थे और ये इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए, ठीक है ठीक है। तो यहां पर इनकी दोस्ती खत्म भाई, यहां पर इनकी दोस्ती खत्म क्यों? जस्ट बिकॉज ये कोमल यूनिक रहना चाहती थी यार, एंड जो भी क्राउड में आउट स्टैंड करना चाहता है, जो सब लोग कर रहे हैं वो हम लोग नहीं करते हैं, उसको अपन स्नॉब इफेक्ट कहते हैं। जो सब लोग करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं तो उसको स्नॉब इफेक्ट कहते हैं, एक्सक्लूसिव यूनिक, ठीक है उसको स्नॉब इफेक्ट कहते हैं। अगर उसी जगह पर यश और संजय अगर मिलते थे और यश और संजय का अगर सेम ड्रेस होता था तो वो क्या करते थे? अरे भाई ब्रो कोड, गले वाले लगते थे। आज से तू और मैं भाई भाई, अपना ड्रेस सेम सेम, अपन भाई 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 भाई, ठीक है। तो यहां पर बचाव पार्टी बिल्कुल अपोजिट होता है एक लड़कों में और लड़कियों में। यहां पर अगर लड़के होते थे तो वो तो इनफैक्ट दोस्त बन जाते थे, कभी जिंदगी में बात भी नहीं करी है तो भी दोस्त बन जाते थे। लेकिन यही चीज लड़कियों में क्या होती है, लड़कियों का ऐसा होता है कि नहीं भाई हमको सबसे अलग रहने का है, हमको अटेंशन चाहिए है, राइट ना, ऐसे ही होता है बिल्कुल बेटा, यस करेक्ट ना, यस गेटिंग एवरीवन, यस सर। तो यहां पर स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या है? टू बी यूनिक, टू बी एक्सक्लूसिव, राइट ठीक है। वेबलन इफेक्ट मतलब हाय, वेबलन इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेबलन इफेक्ट, ठीक है अब देखना बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करना, व्हाट डू यू मीन बाय वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट मतलब वड्डे लोग वड्डी बातें, वड्डे वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें, हाँ बातें साते मुलाकातें, ठीक है। अब देखना यहां पर हम तुमसे कहना चाहते हैं, वेबलन लोग मतलब वो लोग होते हैं जो कि हाई स्टेटस सीकिंग पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, मतलब इनको ऐसे दिखावा करना होता है, एंड दे आर लाइक कि मतलब अरे भाई महंगा है, अरे अभी खरीदेंगे हम, महंगा है तो हम अभी खरीदेंगे, ठीक है। इनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट ये तब परचेस करते जब इसकी प्राइस सबसे ऊपर होती है, ये तब परचेस करते हैं इनफैक्ट जब सबसे प्राइस ऊपर होती है। एक बार पता है आपको क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल। एक बार मैं, निशान सर, आईजी सर और अंशुल सर, हम लोग बैठे थे, हम लोग चैट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हम लोग गप्पे मार रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही बातों ही बातों में यहां पर निशान सर ने पूछ लिया अंशुल सर को, अरे तुम्हें पता है डायमंड का रेट बहुत हाई हो गया है, हम सोच रहे थे डायमंड परचेस करें, ठीक है मुझे गिफ्ट करना था, ठीक है। तो यार मैंने भी वही कहा कि यार इवन आई वॉन्टेड टू परचेस द डायमंड बट द प्राइस इज वेरी वेरी हाई सर, एंड आई एम थिंकिंग टू पोस्टपोन इट। आई जी सर कह रहे थे कि मैं तो सोच भी नहीं रहा था सर, किसको दूसरा डायमंड, आखिर परचेस करूं तो क्या करूं, गिफ्ट दू तो किसको दू सर, मेरे को तो डायमंड खरीदने का ही नहीं है सर, मेरे सामने डायमंड वायमंड की बातें मत करो, ठीक है प्लीज सर, मैं सिंगल हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें करोगे डायमंड वायमंड की, प्लीज 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 डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ मी अबाउट ऑल दिस डायमंड्स एंड गिफ्टिंग थिंग्स, प्लीज प्लीज हाँ। तो यहां पर आईजी सर ने तो बोल दिया कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट डायमंड वायमंड, ठीक है। मैंने कहा कि यार बहुत महंगा हो गया, निशान सर इज लाइक कि बहुत महंगा हो गया। अंशुल सर अभी यहां पर क्या बोलते पता है आपको, नहीं, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अंशुल सर ने कहा अरे डायमंड की प्राइस हाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, मैंने अभी अभी परसों के दिन ही डायमंड की रिंग खरीदी थी, मैंने अभी अभी परसों के दिन डायमंड की रिंग खरीदी थी, इनफैक्ट सर क्या ही तो फर्क पड़ता है, एंड मेरे को तो मैं प्राइस वाइज तो देखता ही नहीं हूँ सर, हाई प्राइस थी मेरे को पता था लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था इसलिए मैंने ले लिया। हाई स्टेटस सीकिंग पीपल दे डोंट केयर अबाउट द प्राइसेस ऑफ द गर्ल्स गाइस, राइट, आर यू गेटिंग इट। सो हाई स्टेटस सीकिंग पीपल दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस, इनफैक्ट दे बाय मोर डायमंड्स व्हेन द प्राइसेस आर मोर, they buy more when the prices is more, are you getting it, ठीक है। तो बच्चे पार्टी हम क्या आना चाहते हैं आपको, वेबलन इफेक्ट का ये जो डेफिनेशन है ये किसने लाया था, थॉर्स्टिन वेबलन ने,
कौन है? थॉर्स्टेन वेबलन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलन ने कहा था कि जब प्राइस ज्यादा होता है, अरे क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा होता है, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइस वाइज से। हाँ, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइस वाइज से, जब भी प्राइस ज्यादा रहेंगे हम तभी परचेस करेंगे, और हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह देंगे कि भैया प्राइस जब ज्यादा था ना तब हमने परचेस किया, हमने, ठीक है। यस, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस, समझा एवरीवन? यस, सो बच्चा पार्टी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दीज आर द लग्जरी गुड्स, दीज आर द लग्जरी गुड्स, डिमांड राइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द प्राइस एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द डिमांड। नॉर्मल केस में जब भी प्राइस ऊपर जाती है तब हम लोग कम परचेस करते हैं, नॉर्मल केस में जब भी प्राइस ऊपर होती है हम लोग कम परचेस करते हैं, लेकिन यहां पर प्राइस ऊपर थी इसलिए हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है। यस, अब मैं आपको सेम एग्जाम्पल एक और तरीके से देता हूं, ठीक है। अभी मुकेश भाई गए थे परचेस करने 50 लाख की गाड़ी। अब 50 लाख की गाड़ी परचेस करने चले गए, चलो 1 करोड़ की गाड़ी, ठीक है, 1 करोड़ की गाड़ी परचेस करने चले गए। अब ये 1 करोड़ की जब ये गाड़ी परचेस कर रहे थे उस पर पता चला कि यार उस पर अभी टैक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसलिए 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मुकेश भाई ऐसा बोलेंगे कि अरे जाने दे यार, जब इसका टैक्सेस कम होगा, जब इसकी प्राइस कम होगी तब मैं खरीदूंगा। अरे नो भाई, मुकेश भाई बोलेगा ए भाई 5 लाख रुपए रख एक्स्ट्रा, मेरे को गाड़ी अभी की अभी घर पर ला कर दे, खत्म करिए, ठीक है, मेरे को 1-2 लाख रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर रहने दो नीचे रहने दो कोई ना फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई ऐसा होता है ये वेबलन इफेक्ट, समझ रहा है क्या? यस, तो यहां पर बच्चा पढ़िए, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट वेबलन इफेक्ट मतलब क्या होता है। वेबलन इफेक्ट मतलब व्हेन द प्राइस इज मोर द डिमांड इज मोर, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? चलिए, सो यहां पर देखिए, दीज आर द लग्जरी गुड्स एंड डिमांड राइजेस एज द रिजल्ट ऑफ द प्राइसेस, दे आर कॉन्ट्रडिक्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलन। यहां पर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है? यस, कॉन्ट्रडिक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है क्या ये? वेबलन गुड्स आर कॉन्ट्रडिक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? यस, वेबलन गुड्स आर कॉन्ट्रडिक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? यस, यहां पर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलन ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, लग्जरी गुड्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए बेटा, ये वेबलन गुड्स, आपने स्कैम 1992 मूवी देखी है? स्कैम 1992 मूवी क्या आप लोगों ने देखी है? वहां पर क्या था, वहां पर वो क्या बोलता है उसको, वहां पर वो उसे कहता है कि ये जो तुमने यहां पर ये गुड्स दिए, कौन से गुड्स? सर आप वेबलन लोग हो क्या? सर जी नहीं बेटा, मैं नहीं हूं बेटा, मैं आम आदमी हूं बेटा, आम आदमी। यस, मैंगो पीपल, राइट, मैं तो बेटा आम आदमी हूं, बाकी सब लोग वेबलन है बेटा, ठीक है। यस, बाकी सब लोग कौन है? वेबलन, ठीक है। हाँ, तो स्कैम 1992 में आप लोगों ने हर्षद मेहता को देखा होगा, तो हर्षद मेहता वहां पर लेक्सस गाड़ी खरीदता, लेक्सस, ठीक है, तो लेक्सस गाड़ी ज्यादा पैसा देकर खरीदता है। वो क्या बोलता है, केडिया ने कितने में लिया तेरे से? 40 लाख में। वो गाड़ी वहां पर नहीं जाएंगी, मेरे घर पर आएंगी गाड़ी, 50 लाख रुपए ले सर, 50 लाख रुपए ले, 50 लाख रुपए ले, गाड़ी मेरे घर पर आनी चाहिए। वो बोलता है कि सर मैंने जुबान दी उनको, मैंने उनको बोला है कि मैं तुमको देने वाला है गाड़ी, बोल रहा है कि ठीक है ना, दिया है ना, बोला है ना, फिर से उसको बोल दिया अवेलेबल नहीं है, तुमने उसको बोला ही है ना, कितने लाख में? 50-55 जो भी मांगता है। वो बोलता है ये ले पैसा, पैसा ले पैसा, और गाड़ी मेरे घर पर चाहिए, लेक्सस, समझा क्या? ठीक है, सो बच्चा पार्टी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, जेब में मनी हो और कुंडली में शनि होने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बेटा, जेब में जब मनी हो तो कुंडली में शनि होने से क्या ही तो फर्क पड़ता है, ऐसा हमारे हर्षद मेहता कहते थे, ठीक है। चलिए, सब अच्छा पार्टी, यहां पर वो क्या था, वेबलन इफेक्ट, हर्षद मेहता ने कम प्राइस की गाड़ी ज्यादा प्राइस में खरीद ली। तुमने वो मूवी देखी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई?
वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी देखी है, जहां पर वो अजय देवगन जाते रहता है और उसको अमृत चाहिए होता है, अमृत खरीदना होता है, वो काफी सस्ता होता है, तो वो बोलता है कि अगर कुछ महंगा नहीं मिल रहा है तो सस्ते कोई महंगे दाम में खरीद लेते हैं। ये रिच लोगों की बातें एकदम अलग होती बेटा, अपने को समझ में नहीं आती। क्या बोलता है पता है वो, अगर महंगा कुछ यहां पर मिल नहीं रहा है तो सस्ते कोई महंगा बनाकर खरीद लेते हैं। ये बताओ अगर ये अमृत जो है ये एकदम बहुत स्पेशल है तो इसका दाम क्या होगा? बोलते हैं 100 रुपया। है 100 रुपया नहीं, ये अमृत एकदम लास्ट है, इस वर्ल्ड का पूरा लास्ट है, तो कितना होगा? ऐसे इसे बोल बोलकर उसकी प्राइस बढ़ाता है और फिर खरीदता है। ये जो बड़े बड़े लोगों की जो बातें होती है हमको समझ में नहीं आता है बेटा, ठीक है? तो ये क्या है? वेबलिन इफेक्ट, लग्जरी गुड्स। राइट। सर बिग बुल मूवी देखा है आपने? नहीं बेटा, मैंने वो बिग बुल नहीं देखा है बेटा। आई हैवंट सीन बिग बुल, बट आई हैव सीन 1992। बिग बुल भी उसी के टर्म्स पर है ना, आई गेस, है ना? चलिए, ऑसम गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, देखिए यहां पर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण तुम्हारी डिमांड चेंज हो सकती है, बताइए। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण तुम्हारी प्राइजेस चेंज हो सकती है? द आंसर इज यस। If the government is decreasing the price, मतलब taxes, तो तुम्हारी price कम हो सकती है, तो अगर price कम होगी तो तुम्हारी demand ज्यादा होगी, right? Yes. If the government is increasing the taxes, demand कम हो जाएगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है तो प्राइजेस कम हो जाएंगे तो डिमांड ऊपर जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रहा है तो फिर शायद प्राइजेस ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये भी हमारी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। यस, तो गवर्नमेंट चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द डिमांड, यस एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट अगर ज्यादा स्पेंड कर रहा है कुछ चीजों पर तो जनरली वहां पर डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज भी तुम्हारी डिमांड को चेंज कर सकती है, बिल्कुल 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 चेंज कर सकती है। राइट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? समझने की कोशिश करो बच्चा पार्टी, बहुत मजा आने वाला है। अरे बहुत अमेजिंग है, अरे बहुत अमेजिंग है, ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक है? यस, अब मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज से इन सारे गुड्स के प्राइसेस जो पहले 100 रुपए का होता था, अब वो 200 रुपए हो चुका है क्योंकि उस पर टैक्सेस बढ़ चुके हैं। तो जनरली यार जब भी टैक्सेस बढ़ता है तो हमारा डिमांड कम होता है ना भाई, ये ऐसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से हमारी डिमांड चेंज होती है ना भाई। यस। फरदीन खान कह रहा है सर आपकी इसकी पहले वाली वीडियो भी लाइव है सर, वो ओपन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए बेटा, वो लाइव बंद हो जाएगा। मैंने किया तो है वो बंद उसको, लेकिन वो पता नहीं क्यों लाइव दिख रही है। राइट, कोनो बात नहीं बेटा, ठीक है? चलिए। यहां पर बचा पाड़ी, नाउ वी आर कम टुवर्ड्स द एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी हम लोग एक्सेप्शन ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? एक्सेप्शन ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है? एक्सेप्शन मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर, प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे, ठीक है? लेकिन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कि जब भी प्राइस ऊपर जाएंगी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर, जब भी प्राइस नीचे जाएंगी क्वांटिटी डिमांडेड नीचे, जब भी प्राइस ऊपर जाएंगी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर, जब भी प्राइस नीचे जाएंगी क्वांटिटी डिमांडेड नीचे, जब भी प्राइस ऊपर जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर। मतलब यहां पर मैं आपको एक ग्राफ निकाल कर बताना चाहता हूं, ये है मेरी प्राइस और ये है मेरी ओरिजिनल नया प्राइस, ये है मेरा क्वांटिटी और ये मेरा नया क्वांटिटी,
ये है मेरा यहाँ पर डिमांड कर्व डी। तो यर यू कैन चेक इट आउट दैट वेन एवर द प्राइस इज इंक्रीजिंग माई क्वान्टिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इसको मैं कहना चाहूंगा एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। सो बच्चा पार्टी यहाँ पर समझने की कोशिश करना एक्सेप्शन ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसे होता है। मैं कुछ वर्ड्स कहने वाला हूँ उसको आप एकदम अच्छे से ध्यान देने का, ठीक है, एकदम मतलब एकदम अच्छे से ध्यान देने का। मैं यहां पर लिखने वाला हूं पॉजिटिव स्लोप, मैं यहां पर लिखने वाला हूं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो कुछ भी मैंने यहां पर लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चा फाड़ी, यहां पर देखिए इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देयर इज पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। आई वॉन्ट टू राइट ओवर हियर दैट पॉजिटिव स्लोप जब मैं कहता हूं, एमसीक्यू है ये भी, एमसीक्यू है और ये भी एमसीक्यू है, तो यहां पर आपको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में इन सारे चीजों पर सवाल पूछा जा सकता है। जी हाँ, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड में आपको ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। यस 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 यस, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, यस सर, यस 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 सर, क्या ये लिखना है? बिल्कुल बेटा बेटा ये लिखना है, प्लीज इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, प्लीज इसको लिखना होगा अभी के अभी, अभी के अभी इसको लिखना होगा। क्या मैं आपको एक मिनट देता हूं, फटाफट से इसको ड्रॉ कीजिए, फटाफट से जो भी मैंने लिखा है उसको भी लिख दीजिए फटाफट। कम ऑन एवरी वन, यस Have you written this? MCQ कब होगा सर जी बता दीजिए। सुंदरम गुप्ता you are from May 23 और December बेटा, May 23 है तो बहुत ही जल्दी है ना, एक दो दिनों में तुम्हारी टेस्ट लेते हैं, एक दो दिनों में तुम्हारी टेस्ट लेते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। Yes. चलेगा ना तुमको टेस्ट लिया तो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, रोने नहीं वाले ना तुम लोग। लिख लिया ये, कर लिया ये, चलिए। सो अभी मैं आपको भुला बोलता हूं, ठीक है, लेकिन टेस्ट कहां पर होगी पता है क्या? टेस्ट हम लोग लेंगे स्पेशल क्लास पर, स्पेशल क्लास पर तुम्हारी टेस्ट लेंगे, ठीक है, चलेगा। वहां पर मस्त है, तुमको पोल के थ्रू एमसीक्यूज देते आता है, बहुत मजा आती है वहां पर, पोल के थ्रू तुम लोग एमसीक्यूज दे सकते हो, बहुत 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 मजा आता है वहां पर, ठीक है। यस ठीक है, मैं बता दूंगा तुमको एक दिन पहले कि कल हम लोग स्पेशल क्लास पर मिलेंगे, तो उस दिन हम लोग स्पेशल क्लास पर मिल जाएंगे, राइट? यस। चलिए अभी मुझे तुम्हें सबसे पहला पॉइंट यहां पर बताना है जो कि है गिफन गुड्स का। अब देखना बेटा, गिफन गुड्स बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना गिफन गुड्स के बारे में। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द गिफन गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स किसने लाया था? सर रॉबर्ट गिफन ने लाया था। ये कौन है? ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। गिफन गुड्स किसने लाया था? रॉबर्ट गिफन ने लाया था। ये कौन है? ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जो है, इन्होंने क्या कहा था? ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने कहा था किसके बारे में? इन्होंने कहा था गिफन गुड्स के बारे में। क्या कहते थे ये? इन्होंने फाइंड आउट किया, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया
कि जब लोगों के पास पैसा कम था तो लोग सुपीरियर गुड्स परचेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब लोगों के पास पैसा कम था तो वो सुपीरियर गुड्स को परचेस नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो खाने पीने के लिए लगेगा ना। हाँ, तो इनका ऐसे समझ में आया इनको, इनके स्टडी के हिसाब से, कि जब उनकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई, जब लोगों की परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई, उन्होंने सुपीरियर गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था यहां पर किसका, उन्होंने यहां पर एग्जाम्पल लिया था किसका बेटा, समझने की कोशिश करना, बहुत ही मस्त तरीके से समझाया गया है यहां पर। यह है हमारा मीट और यह है हमारा ब्रेड, तो उनके हिसाब से यह हो जाता है सुपीरियर गुड्स, क्योंकि यह महंगा होता था, तो महंगा होता था इसलिए सुपीरियर गुड्स, और वो ब्रेड को मानते इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। सो इंफीरियर गुड्स अगेन किसके कारण, परचेसिंग पावर के कारण। तो यहां पर इनका फोकस कहां पर था, यहां पर इनका फोकस था परचेसिंग पावर के ऊपर, ठीक है। तो परचेसिंग पावर की बात कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसे समझा कि जब लोगों का परचेसिंग पावर कम हो गया, पुअर पीपल का, तो पुअर पीपल का जब परचेसिंग पावर कम हो गया तो क्या हुआ बताया, वहां पर जब भी पुअर लोगों का परचेसिंग पावर कम हो गया, दे वेर नॉट एबल टू बाय द सुपीरियर गुड्स, दे वेर नॉट एबल टू बाय द सुपीरियर गुड्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर बोला कि ब्रेड की प्राइस उस समय इंक्रीज हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रेड सबसे सस्ता गुड्स था, और लोगों ने ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी ब्रेड को ही परचेस किया। लोगों ने यहाँ पर ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के कारण भी ब्रेड को ही परचेस किया, तो इसलिए ये लोग क्या कहते हैं कि इवन इफ द प्राइस राइजेस तो क्वांटिटी राइजेस, तो ये कहां पर आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। जी हाँ, ये एक्सेप्शन में आएगा। और सर रॉबर्ट गिफन्स ने इस गिफन गुड्स के बारे में कहा था, जहां पर वो सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं और वो परचेसिंग पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो श्लोक बेटा तुम्हें यहां पर हम लोग कर देते हैं ब्लॉक, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट नो तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम खुद का ही नाम लेके जा रहे हो। एक बहुत ही मस्त एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन क्या कहें, तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारी क्वेश्चन पूछते थे तो शायद मैं आंसर भी दे देता था, तुम क्वेश्चन भी पूछ नहीं रहे हो, ध्यान भी दे नहीं रहे हो, अपना ही नाम लिखे जा रहे हो, श्लोक 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 श्लोक, एक श्लोक तो बोल देता था मैं, वो सुन लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को उसमें भी, ठीक है। सो ऐसे ना करो, यो ऐसे ना करो बेटा, ऐसे ना करो, ठीक है। यस, चलिए गयू 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 बेटा, श्लोक गयू, खत्म, टाटा बाय बाय, टेक केयर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझने की कोशिश करना, अटेंशन ले रहा था, ठीक है। अटेंशन अटेंशन लेने वाले लोग मेरे को पसंद नहीं है, अटेंशन सीकिंग पीपल, हाँ अटेंशन सीकिंग पीपल। गयू 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 सर, ये बड़ा पैराग्राफ नोट करना है, यहां पर तुम नोट करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये कहानी जरूर याद रखना, क्या मीट वॉज द सुपीरियर गुड, ब्रेड वॉज द इंफीरियर गुड्स, ये बात कर रहे थे परचेसिंग पावर के बारे में। तो पुअर लोगों की परचेसिंग पावर अगर कम हो गई है तो वो सुपीरियर गुड्स को परचेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इंफीरियर गुड्स की तरफ गए, और इंफीरियर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, दो इंफीरियर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, लेकिन वो सबसे सस्ता गुड्स तब भी था अवेलेबल, हाँ, लेकिन उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हुई है फिर भी वो परचेस कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे, इसको हम लोग एक्सेप्शन टू डिमांड कहेंगे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी वो क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर रहा है। स्वाहा, फिर से एक बार मैं इसका आपको रिवीजन करवाऊंगा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, मेरे साथ साथ तुम लोग भी बोलोगे, ठीक है। यस ठीक है, यस। तो मेरे साथ साथ तुम लोगों को सबको बोलना होगा कि क्या गिफन गुड्स के बारे में किसने कहा था, गिफन गुड्स के बारे में रॉबर्ट गिफन ने कहा था, रॉबर्ट गिफन एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, वो बात करते थे परचेसिंग पावर के बारे में, पुअर लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है इसलिए पुअर लोग सुपीरियर गुड्स को परचेस नहीं कर सकते हैं, पुअर लोग सुपीरियर गुड्स को परचेस नहीं कर सकते तो वो लोग इन्फीरियर गुड्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उस समय पता चलता है कि इन्फीरियर गुड्स की प्राइस ऊपर चली गई है, तो इन्फीरियर गुड्स की प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी वो इन्फीरियर गुड्स को परचेस करते हैं, क्योंकि इंफीरियर गुड सबसे सस्ते में होता है, उसकी प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी वो यहां पर परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये जो होता है कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड होता है। स्वाहा, खत्म गाइस, वी आर डन विद दिस, अमेजिंग राइट, मजा आ गया।
मजा आ गया, कहानी याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, अभी याद रहेगी सर, अभी एकदम 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 जबरदस्त तरीके से याद रहेंगे सर। ओके अमेजिंग, वी आर डन विद दिस गाइस, ऑसम। सो यहां पर हमारा समय समाप्त हो चुका है, हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि बचा पार्टी, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग आ सकते हो प्लस पर। तो प्लस पर जाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर और आपको कोड यूज करना पड़ेगा द वन एंड ओनली वन डागा बाबा के। कौन सा डागा? 10 का कोड यूज करना पड़ेगा। प्लस इज मस्ट, बिल्कुल मस्ट है। देखिए यहाँ पर कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा। लाइट प्लस एन आइकॉनिक है, लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, प्लस एन आइकॉनिक में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस एन आइकॉनिक में आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड क्लासेस ऑल्सो इन आइकॉनिक, गेट समथिंग एक्स्ट्रा जैसे कि पर्सनल कोच, क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। जी हाँ, कोड क्या लगाना होगा? कोड लगाना होगा डागा 10, देखते हैं लगाकर बेटा, डागा 10 कोड का इस्तेमाल कर देखते हैं, DAGA10। और यहां पर देखिए अप्लाई करते हैं स्वाहा, देखते हैं स्वाहा होने के बाद यहां पर देखिए, यहां पर ओह माय गॉड द प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 16,920, 18 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 20,250 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 22,950। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, 24 मंथ 39,510, 18 मंथ 34,650 एंड 12 मंथ यहां पर 28,350। लाइट का सब्सक्रिप्शन भी आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है। यू कैन यूज माय कोड दैट इज डागा10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइस, इट इज जस्ट कॉस्टिंग यू 44,550 ओनली, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन गेट स्टार्टेड। एंड मिलते हैं बच्चा पार्टी कल, हम लोग सेम टाइम सेम प्लेस सेम सब्जेक्ट सेम टीचर सेम स्टूडेंट्स एंड सेम चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून टुमारो।